Students, today we will start our next exercise, that is exercise 12.2. First question is given to you. ये क्या है, आपको expressions दे रखे हैं. आपने क्या करना है इसके अंदर, you have to combine the like terms and simplify these expressions. तो like terms क्या होती हैं, आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि like terms are those terms whose algebraic factors are same. तो अब इसके अंदर देखिए, b एक ऐसा एलजेब्रिक फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे. सबसे पहले इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए b वाली टर्म को एक साथ कर लीजिए, 21b देन प्लस 7b माइनस 20b और हमारा ये 32 क्या था, हमारा रिमेनिंग था, तो हमने इस 32 को क्या लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया. क्लियर? नाउ अब देखिए दो दो करके, अब 21b प्लस 7b क्या हो जाएगा, 28b. बाकी एज इट इज़ हम क्या कर लेंगे, इसको एज इट इज़ नोट कर लेंगे. अब आप देखेंगे 28b माइनस 20b क्या आ जाएगा, ये 8b माइनस 32. तो ये क्या है, यहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हमने इसको क्या किया, यहाँ तक सिंप्लीफाई कर दिया और अब हम इसे क्या है, यहीं तक ही छोड़ देंगे. ये क्या है, मेरा आंसर है. इसी तरह हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे. अब आप इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या करेंगे कि लाइक टर्म्स को एक साथ कर लीजिए. देखिए कैसे, स्क्वायर वाली कर लीजिए. सबसे पहले आप देखिए, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है, 3. आप यहाँ लिख लीजिए 7z³. इसमें हम देखेंगे कि क्या कोई और ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका टर्म है जिसका एलजेब्रिक फैक्टर जो है जिसके अंदर जेड क्यूब हमारा यूज़ हो रहा हो, कोई भी नहीं है. तो अब हम जेड स्क्वायर वाले को करेंगे यहाँ पे सेपरेट. देखिए यहाँ क्या है, माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z². अब इसके बाद कौन सी टर्म बची हमारे पास, ये दो टर्म्स बच गई, कौन कौन सी, देखिए माइनस 5z माइनस 15z. क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व दिस 7z³. अब देखिए इंटीजर्स की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे. जो इंटीजर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों माइनस हो तो क्या करते हैं, दोनों प्लस हो तो क्या करते हैं, एक प्लस हो एक माइनस हो तो हम लोग क्या करते हैं. अब इस केस में क्या है, देखिए एक तो माइनस है और एक प्लस है. जब एक साइन हमारा प्लस का होता है, एक माइनस का होता है, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, लेकिन साइन किसका आता है, बिगर नंबर का. तो 13 में से 1 माइनस कर देंगे क्योंकि इसका कोफिशियंट 1 है. तो जब हमने इसको 13 में से 1 माइनस किया तो क्या आया, 12z², साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का आएगा, तो हम क्या लिख देंगे, 12z². सिमिलरली आप इसको सॉल्व करेंगे अगर इस पोर्शन को, तो दोनों टर्म्स क्या हैं, माइनस हैं. जब दोनों माइनस होती हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करके और साइन किसका लगा देते हैं, माइनस का. तो ये क्या हो गया, माइनस 20z. अब आप देखेंगे सारे अलग अलग आ गए, ये जेड क्यूब आ गया, ये स्क्वायर आ गया, ये जेड आ गया, तो इससे आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे. इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है. देखिए पी, जब भी आपको ध्यान रखना है कि कोई ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट के बाहर आपका माइनस का साइन है तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. तो कैसे करेंगे, आप देखिए पी माइनस, ये पी यहाँ पे क्या था, प्लस का था, तो यहाँ माइनस हुआ, ये क्यू के साथ माइनस का साइन था तो क्या हो जाएगा, प्लस क्यू. फिर माइनस क्यू एज इट इज़ उतारा ये वाला, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस क्यू, और ये क्या हो जाएगा, प्लस पी. जो भी अंदर वाले सारे साइंस हैं वो क्या हो जाएंगे, मेरे चेंज हो जाएंगे. अब इसके बाद आप देखेंगे कि इस पी से ये पी क्या हो गया, कैंसिल. इस क्यू से ये क्यू क्या हो गया, कैंसिल. बचा क्या, प्लस का पी और माइनस का क्यू. तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे आंसर, पी माइनस क्यू. ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए इसके अंदर भी सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें ब्रैकेट ओपन करनी है. कैसे, देखिए 3a माइनस 2b माइनस ab. अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. ठीक है, प्लस 3ab प्लस b माइनस a. अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को सेपरेट करना है. तो वो हम कैसे करेंगे, देखिए a वाले अलग कर लीजिए सबसे पहले, 3a, और देखिए a कहाँ है, एक a ये रहा मेरा, क्या, माइनस a. उसके बाद आप देखेंगे और a कहाँ नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, माइनस a. कर लिया. अब बारी किस पे, वापस इस पे आ जाइए, सेकेंड टर्म पे क्या दिया हुआ है, माइनस 2b. अब b वाले अलग कर लीजिए, ये क्या है, एक बार क्या दिया हुआ है, प्लस
बी। फिर हमें एक बार और क्या दे रखा है, प्लस बी। बी वाले सारे एक साथ हो गए, अब हमारी कौन सी टर्म बची, ए बी वाली। अब ए बी वाली लिख लीजिए, माइनस ए बी देन माइनस ए बी प्लस 3ab। अब आपने सेपरेट करने के बाद एक काम ये भी करना है इसके अंदर कि टर्म्स को काउंट कर लो कि हमारी कोई टर्म छूट तो नहीं गई है। कैसे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब सारी टर्म्स क्या है हमने लिख ली हैं। अब इसके बाद देखिए सॉल्व करते जाइए, देखिए 3a माइनस a कितना आ गया 2a, बाकी माइनस का a एज इट इज़ उतार लिया, ठीक है। अब देखिए माइनस 2b प्लस b क्या आ गया, माइनस b प्लस b, ये वाला उतार लिया हमने एज इट इज़। अब यहाँ देखिए माइनस ab माइनस ab कितना आ गया, माइनस 2ab और प्लस 3ab मैंने क्या किया एज इट इज़ वापस से उतार लिया। अब आप देखेंगे इसको सॉल्व कीजिए, 2a माइनस a कितना हो गया a, ठीक है। अब माइनस बी प्लस बी कैंसिल हुआ, माइनस 2ab प्लस 3ab यानी कि माइनस 2 प्लस 3 क्या हो गया प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो गया प्लस ए बी। तो इसके बाद जो है ये सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। सिमिलरली आप इसे नेक्स्ट पार्ट करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई वाले अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई, एक तो हमारी ये वाली टर्म है एक्स स्क्वायर वाई में। अब देखिए एक ये है वाई एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स की पावर 2 और वाई 1, यहाँ भी एक्स की पावर 2 और वाई क्या है 1 है, तो हमने क्या लिख दिया प्लस 3 वाई एक्स स्क्वायर, और कोई टर्म ऐसी नहीं है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं वापस से इस टर्म पे आ जाते हैं, माइनस 5 एक्स स्क्वायर, ये देखिए अब मैं यहाँ कह रही हूँ ये माइनस 5 एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म और कौन सी है, ये वाली है, तो मैंने क्या लिख लिया प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब उसके बाद जो मेरी टर्म आती है, देखिए ये भी लिख ली, ये भी हो गई, ये भी हो गई, नेक्स्ट क्या है वाई स्क्वायर वाली, वाई स्क्वायर को सेपरेट कर लीजिए, माइनस 3 वाई स्क्वायर, ये रहा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक ये रहा माइनस 3 वाई स्क्वायर, और एक ये वाली टर्म बच गई थी 8 एक्स वाई स्क्वायर, जिसके साथ और कोई लाइक टर्म नहीं थी, तो हमने इसको सेपरेट नहीं किया, एज इट इज़ नोट कर लिया। अब आप देखेंगे, देखिए 5 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई कितना हो गया 8 एक्स स्क्वायर वाई, इसी तरह माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब इसी तरह ये करेंगे, देखिए माइनस 3 वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना हो गया माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर प्लस 8 एक्स वाई स्क्वायर। अब इसी तरह हम क्या लिख देंगे, देखिए 8 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर क्या हो गया माइनस 7 वाई स्क्वायर, फिर प्लस 8 एक्स वाई स्क्वायर। अब इनमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं रही, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, मीन्स जहाँ तक हमारा सॉल्व होता है वहाँ तक हम उसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, क्लियर। नाउ कम टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस, देखिए लास्ट पार्ट जो है हमारा, लास्ट पार्ट क्या है, सिक्स पार्ट इज 3y² प्लस 5y माइनस 4 माइनस 8y माइनस y² माइनस 4। अब आपको क्या करना है, सिमिलरली आपको इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है। कैसे, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, देखिए 3y² प्लस 5y माइनस 4, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस हो तो अंदर वाले सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज, माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब इसी तरह आप क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लीजिए, वाई स्क्वायर वाले अलग कर लीजिए, देखिए 3y² प्लस वाई स्क्वायर, वाई वाले अलग कर लीजिए 5y माइनस 8y, कॉन्स्टेंट टर्म अलग कर लीजिए माइनस 4 प्लस 4, क्लियर। अब देखिए आप 3y² प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 4y स्क्वायर, एंड 5y माइनस
8y कितना हो जाएगा, माइनस 3y, एंड माइनस 4 एंड प्लस 4 विल बी कैंसल्ड आउट एंड द आंसर विल बी 4y स्क्वायर माइनस 3y. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन टू यू इज यू हैव टू ऐड. देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में किसको ऐड करना है आपने, 3mn कॉमा माइनस 5mn कॉमा 8mn कॉमा माइनस 4mn. तो इसके अंदर क्या गिवन है हमें, लाइक टर्म्स गिवन है. सारी की सारी क्या है, लाइक टर्म्स है mn वाली. सिंपली आपको इसको ऐड करना है. तो ऐड कैसे करेंगे, देखिए 3mn प्लस माइनस 5mn प्लस 8mn प्लस माइनस 4mn. अब आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 3mn माइनस 5mn प्लस 8mn माइनस 4mn. अब आप इन दोनों को सॉल्व कीजिए, पहले क्या आ जाएगा, माइनस 2mn, बाकी एज इट इज़ उतार लीजिए, mn माइनस 4mn. अब आप देखेंगे माइनस 2mn प्लस 8mn कितना हो जाएगा, 6mn माइनस 4mn. When you will subtract 6mn minus 4mn, 4mn from 6mn, तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, 2mn. तो आज आपने क्या करना था, सिर्फ यही करना सीखा कि हमें लाइक टर्म्स को कैसे सेपरेट करके और उसको सिंप्लीफाई करना है.